लोकसभा व राज्यसभा में कृषि विधेयक पास करने पर हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया है। हिमाचल बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजना पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि मोर्चा का कहना है कि आजादी के बाद पहली मर्तबा किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। देश के अंदर ऐसा विधेयक लाकर कृषि और किसानों के हित में फैसला जो लिया है, पहले किसान सिर्फ अपने मंडी में ही अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने देखा कि हमारे किसानों को आय बढ़नी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में यह घोषणा की थी कि 2022 आते आते हम किसान की आय दोगुनी करेंगे और इसके लिए ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। आज तक कभी भी किसान को उन्नत किस्म का बीज, अच्छे उपकरण खरीदने के लिए कभी सरकार की ओर से 100 रुपए की भी सहायता नहीं मिलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2019 में 6,000 रुपया उनको बीज खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए, उनको अच्छे उपकरण खरीदने के लिए, उसके बाद भी उनको लगता था कि ऐसे बहुत से फैसले जो लंबे समय से किसानों के हित में होने चाहिए थे, ऐसा एक बिल वो लोकसभा में लाए जिसमें से किसानों को, जो मैंने कहा पहले ही कि वो अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है, कोई बॉर्डर नहीं है, होगा अब इस बिल के आने के बाद।